नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक से पहले कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेताओं को डिनर पर इनवाइट किया है। डिनर बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में आयोजित किया गया। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इसमें 26 दल के नेता शामिल हुए हैं। डिनर में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेता पहुंचे। पार्टी में फूट के बाद शरद पवार कल सीधे बैठक में शामिल होंगे। इधर भाजपा ने भी 18 जुलाई को शाम 4 बजे दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक बुलाई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस मीटिंग में 38 दल शामिल हो रहे हैं। एनडीए की बैठक पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, मुझे ताज्जुब है कि मोदी जी ने राज्यसभा में कहा था कि मैं सभी विपक्षियों पर अकेला भारी हूँ। अगर वो सभी विपक्षियों पर अकेले भारी हैं, तो वो कल एनडीए की मीटिंग में 30 पार्टियों को क्यों बुला रहे हैं? उन 30 पार्टियों का नाम तो बताएं, वो हमारी मीटिंग से घबरा गए हैं। इस बैठक से तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दूरी बना रखी है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।